2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 मार्च को अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम थे। पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से मैदान में उतारा है, जबकि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को त्रिपुरा उत्तर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। हालांकि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया गया है, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। झालावाड़ 12 से उनके बेटे दुष्यंत सिंह एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एमपी और राजस्थान में नए सीएम बनने के बाद ये चर्चा चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे केंद्र में लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, मगर आलाकमान ने टिकट देकर ये संकेत दे दिया कि उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतेंगे। 2024 में बीजेपी 400 पार करेगी। मंत्री जी देश और मध्य प्रदेश की जनता के दिल में हैं, उनके आशीर्वाद से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, उसके लिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतना है। तो हम सब प्रचार के काम में जुटेंगे। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि कैसे सभी सीटों पर प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, और अब तेजी से भिड़ेंगे और सब 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका निश्चित तौर पर जबरदस्त लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन भी बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पूरी ताकत से अपनी इस पूरी टीम के साथ जुट के सभी 29 सीटें जीतने में हम लोग जी जान लगाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान का जनाधार और खत नए मुख्यमंत्री मोहन यादव से बड़ा है। शिवराज अभी 64 वर्ष के हैं, यानी बीजेपी के नियम कायदे के हिसाब से उनमें 6 साल की राजनीति बाकी है। पीएम मोदी को भी नए मंत्रिमंडल में शांत भाव और प्रशासनिक अनुभव वाले राजनेताओं की जरूरत होगी। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव भी इस फॉर्मूले में सटीक बैठते हैं, उनके पास भी 4 साल तक का राज करने का अनुभव है। इसके अलावा शिवराज और बिप्लब देव के परिवार का कोई सदस्य केंद्रीय राजनीति में एक्टिव नहीं है। वहीं वसुंधरा राजे की बात की जाए तो उनके पास भी मुख्यमंत्री पद का दोहरा अनुभव है। वो 12 झालावाड़ से 4 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। उनकी उम्र और बेटे दुष्यंत सिंह के राजनीतिक करियर ने उन्हें लोकसभा और केंद्रीय राजनीति से दूर कर दिया। दुष्यंत सिंह झालावाड़ सीट से वसुंधरा के वारिस हैं और 2004 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। परिवार के 2 सदस्यों को एक साथ टिकट मिलना बीजेपी की परंपरा नहीं है। फिलहाल वसुंधरा राजस्थान में ही राजनीति करेंगी। टाइम्स नौ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।